हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 साइकोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए एक न्यू वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। एंड इस वीडियो सीरीज में हम आपकी इस एनसीईआरटी बुक को पूरा कवर करेंगे। आपका पूरा 11th क्लास का सिलेबस होगा। इसके सारे 9 चैप्टर्स के हम बहुत इफेक्टिव एंड बहुत शॉर्ट वीडियोस लेकर आएंगे आपके साथ में। इस वीडियो सीरीज़ की एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये वीडियो सीरीज़ ना सिर्फ क्लास 11 साइकोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है, बल्कि आप किसी भी एग्ज़ाम को फाइट कर रहे हो, नेशनल या स्टेट लेवल की किसी भी साइकोलॉजी एग्ज़ाम की शुरुआत होती है इस बुक से। अगर आप आईएएस स्टूडेंट हैं एंड साइकोलॉजी ऑप्ट किया है आपने, तब भी आपके लिए आपके साइकोलॉजी सब्जेक्ट की शुरुआत यही इसी बुक से होती है। या फिर आप नेट या जेआरएफ के स्टूडेंट्स हैं तो भी आपकी ये एक बेस बुक होती है। इसके अलावा आप चाहे यूजी या पीजी में साइकोलॉजी पढ़ रहे हों, या आप बीएड करना चाहते हैं, बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम से लेके सीटेट या रीट के एग्ज़ाम्स में भी ये एक बेस बुक होती है। इस तरह से ये वीडियो सीरीज सभी साइकोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज़ साइकोलॉजी, आपका फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। ये एक जनरल इंट्रोडक्शन है, साइकोलॉजी क्या है, हम साइकोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, साइकोलॉजी कहाँ से इमर्ज हुई है और आज जिस स्टेज में हम साइकोलॉजी में हैं वो किस तरह से इवॉल्व हुई है, इसमें डिफरेंट ब्रांचेस हैं या साइकोलॉजिस्ट क्या काम करते हैं, इसके बारे में इस चैप्टर में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। और बिना इस चैप्टर को पढ़े हम साइकोलॉजी को आगे समझ नहीं सके। सो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस चैप्टर को इस वीडियो के थ्रू बहुत अच्छे से ध्यान से लर्न करें। और अगर आप इस चैप्टर के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा साइकोलॉजी से रिलेटेड कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी तरह का टॉपिक जो आप समझ नहीं पा रहे, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आप सभी लोगों की जो क्वेरीज़ होंगी उनको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की। और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं व्हाट इज़ साइकोलॉजी। लेकिन सबसे पहले एक सवाल कि आपने ये साइकोलॉजी सब्जेक्ट क्यों लिया, क्यों पढ़ना चाहते हैं आप साइकोलॉजी सब्जेक्ट? क्या आप जानते हैं साइकोलॉजिस्ट कौन होते हैं, साइकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? अगर आप इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो आप क्या जानेंगे दूसरों के बारे में, क्या उनके माइंड में चल रहा है वो समझ जाएंगे? साइकोलॉजी के बारे में बहुत सारे लोग अलग अलग तरह से सोचते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि साइकोलॉजिस्ट सामने वाले व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, यानी कि उसके माइंड में क्या चल रहा है उनको पता चल जाता है। तो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि जैसे पामिस्ट होते हैं या एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, उस तरह से साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं। तो इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद में आपको पता चलेगा कि एक्चुअली साइकोलॉजी क्या है एंड साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं। और आप जैसे जैसे साइकोलॉजी को आगे पढ़ेंगे आपके अंदर भी एक पॉजिटिव चेंज फील होने लगेगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं व्हाट इज़ साइकोलॉजी। सबसे पहले इस टर्म को, इस साइकोलॉजी वर्ड से शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या है ये। हम जब बोलते हैं साइकोलॉजी तो एक्चुअली दे आर टू ग्रीक वर्ड्स। द साइकोलॉजी वर्ड इज ड्राइव फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड्स साइकी एंड लोगोस। एंड साइकी का मतलब होता है ग्रीक डिक्शनरी में सोल, एंड लोगोस मीन्स साइंस और स्टडी ऑफ अ सब्जेक्ट। तो साइकोलॉजी, जब इस वर्ड के मीनिंग को हम अगर इंटरप्रेट करें तो क्या बन गया कि साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी सोल की स्टडी है, इट इज़ अ स्टडी ऑफ सोल। लेकिन स्टूडेंट्स ये जो टर्म है इस तरह से हम आज की डेट में हम इंटरप्रेट नहीं करते साइकोलॉजी। आज हम ऐसा नहीं कहेंगे कि साइकोलॉजी में साइकोलॉजी स्टडी ऑफ सोल, ये बहुत पुराने समय की बात है। आपको पता है साइकोलॉजी का ये सब्जेक्ट कैसे इमर्ज हुआ, कैसे हमने एक अलग सब्जेक्ट बनाया? ये बात है 16th century की। सो 16th century में लगभग वर्ल्ड वाइड साइकोलॉजी एक नाम का कोई सब्जेक्ट नहीं होता था। जो इस तरह के टर्म्स हैं जैसे माइंड क्या करता है, या हम कैसे सोचते हैं, या हमारी कॉन्शियसनेस क्या है, इस तरह के टॉपिक्स को फिलॉसफी के पार्ट के फॉर्म में पढ़ा जाता था। तो कुछ फिलोसोफर्स ने सोचा कि चलो क्यों ना हम इन सारे जो टर्म्स हैं इस तरह के माइंड से रिलेटेड, उनको हम एक अलग कर दें, नया सब्जेक्ट बना लें। तो ये हुई शुरुआत कि सबसे पहले हमारा जो सब्जेक्ट है साइकोलॉजी वो इमर्ज हुआ किसे, कहाँ से, फिलोसोफी से। सो फिलोसोफी इज़ आर मदर सब्जेक्ट। तो फिर एक सब्जेक्ट बन गया और उसका नाम रख दिया गया ग्रीक डिक्शनरी में ढूंढ के, साइकी है ना, लोगोस,
तो साइकोलॉजी बन गया। अगर हम हिंदी में देखें तो हिंदी में हम इसको कहते हैं मनोविज्ञान, यानी कि मन का विज्ञान। अब कई बार तो क्या होता है, लोगों को इसी टर्म से ही कन्फ्यूजन हो जाता है जब वो देखते हैं कि साइकी माने कि सोल या मनोविज्ञान, तो देखते हैं कि मनोवैज्ञानिक या साइकोलॉजिस्ट क्या करते होंगे, मन को स्टडी करते हैं, आत्मा को स्टडी करते हैं, या फिर उनका जो सवाल होता है कि बताओ मेरे मन में क्या चल रहा है, कि अगर आप साइकोलॉजिस्ट हो मन को स्टडी करते हैं, तो इस तरह से वो लोग हमसे पूछते हैं। जहाँ हम आज की डेट की साइकोलॉजी की बात करते हैं, तो साइकोलॉजी इज़ साइंस ऑफ बिहेवियर। जी हाँ, तो हम आज सोल या माइंड या इस कॉन्शियसनेस, इस तरह के टर्म से काफ़ी आगे निकल आए हैं। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि आप साइकोलॉजी पढ़ते हैं और साइकोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, तो आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि हम क्या पढ़ते हैं। हम ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन एक्सपीरियंसेस के बारे में पढ़ते हैं, और इन अ वेरी साइंटिफिक वे। एंड इस सब्जेक्ट में हम एक इंडिविजुअल बिहेवियर को भी स्टडी करते हैं, एंड जब दो लोग मिलते हैं डायल्डिक बिहेवियर होता है, जैसे कि हम ग्रुप सेटिंग्स में दो लोग होते हैं ना, तो हमारा बिहेवियर बदल जाता है। तो हम इस साइकोलॉजी में डायल्डिक बिहेवियर को स्टडी करते हैं एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर भी, यानी कि जब हम बहुत बड़े किसी इंस्टीट्यूशन में होते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, तो वहाँ जो हमारा ह्यूमन बिहेवियर होता है वो किस तरह का होता है, उसको भी साइकोलॉजी में स्टडी किया जाता है। हम साइकोलॉजी में इस तरह के जो बिहेवियर को स्टडी करते हैं, उसको हम कैसे स्टडी करते हैं, विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक मैथड्स। इट यूजेस मैथड्स ऑफ बायोलॉजिकल एंड सोशल साइंसेस टू ऑब्टेन सिस्टमेटिक डेटा। स्टूडेंट्स, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं एंड साइकोलॉजी को सच में पढ़ना चाहते हैं, तो आप एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जब आप इस वीडियो को देख के थोड़ी देर बाद में सब कुछ भूल जाएंगे। ये भी हम साइकोलॉजी में आगे पढ़ने वाले हैं, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बुक साथ लेके बैठें, या फिर एक पीस ऑफ पेपर या नोटबुक जिसमें आप जो भी आप अभी पढ़ रहे हैं उसको नोट करते जाएं। मैं आपको साथ साथ में पेज नंबर्स बताती रहूँगी। एंड देखिए, यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ जहाँ पर है पेज नंबर 3, यहाँ पे लिखा है इट यूजेस मैथड्स ऑफ बायोलॉजिकल एंड सोशल साइंसेस टू ऑब्टेन सिस्टमेटिक डेटा। इसका मतलब यह है कि साइकोलॉजी क्या करती है, साइंटिफिक मैथड्स को यूज़ करती है, सोशल साइंसेस के जो मैथड्स हैं उनको यूज़ करती है टू ऑब्टेन सिस्टमेटिक डेटा, और उसके बेसिस पे हम ह्यूमन बिहेवियर के बारे में कुछ भी प्रेडिक्शंस या इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करते हैं। अब बात करते हैं, इसमें आपकी बुक में 3 टर्म्स के बारे में बताया गया है कि साइकोलॉजी इज़ डिफाइंड फॉर्मली एज अ साइंस विच स्टडीज मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर इन डिफरेंट कंटेक्स्ट। तो अब बात करते हैं 3 टर्म्स के बारे में, मेंटल प्रोसेसेस क्या है, एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं एंड बिहेवियर क्या है। क्या है मेंटल प्रोसेसेस, जैसे नाम से समझ में आ रहा है माइंड में कुछ चलता है, वो सब मेंटल प्रोसेसेस होते होंगे। एग्जैक्टली, है ना। तो साइकोलॉजी में हम एक टर्म यूज़ करते हैं कॉग्निशंस। तो जो कुछ भी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग हमारे ब्रेन में, जो कुछ भी फंक्शनिंग होती है, दे ऑल आर मेंटल प्रोसेसेस। सो मेंटल प्रोसेसेस में क्या क्या इंक्लूड है, अल्सर सेट ऑफ कॉन्शियसनेस नंबर 1, और वी कैन से अवेयरनेस जो आपको है एट ए गिवन मोमेंट आपके बारे में, वो भी आपके मेंटल प्रोसेसेस हैं, एंड कॉग्निटिव प्रोसेसेस, जो कुछ भी आपके ब्रेन में चल रहा है, सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ हैं उन सबको हम मेंटल प्रोसेसेस कहते हैं, एंड साइकोलॉजी स्टडीज़ दीज मेंटल प्रोसेसेस। देखिए क्या क्या चलता है आपके ब्रेन में, बहुत सारी एक्टिविटीज़ चलती हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है जैसे कि रिमेम्बरिंग, लर्निंग, थिंकिंग, नोइंग एंड परसीविंग, ये जो सारी एक्टिविटीज़ हैं ये क्या है, मेंटल प्रोसेसेस। तो साइकोलॉजी में हम इन मेंटल प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे, और आपकी सिलेबस में ये पूरे चैप्टर हैं, इनको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सपीरियंसेस के बारे में, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को स्टडी करती है साइकोलॉजी। जो पर्सन उन एक्सपीरियंसेस को फील कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है, सिर्फ उसी को पता चलता है, दूसरे पर्सन को उसकी अवेयरनेस नहीं होती है। जैसे कि एक पर्सन है मेडिटेशन कर रहा है, तो मेडिटेशन करने वाला व्यक्ति बता सकता है कि उसको कैसी फीलिंग आ रही है, या फिर टेम्परेचर को लेके हॉट या कोल्ड की जो हमको फीलिंग होती है, ये हमारे सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होते हैं। इसके अलावा पेन, है ना, दर्द किसी पर्सन को हो रहा है, उसी को पता है कि उसको कितना दर्द हो रहा है, दूसरा पर्सन नहीं समझ सकता। तो ये एक्सपीरियंसेस हैं, इनको भी हम साइकोलॉजी में स्टडी करेंगे। यहाँ पे आपकी बुक में एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है पेज नंबर 3 पर,
कि अगर आप किसी हॉट समर डे को अपने फ्रेंड्स के साथ में पिकनिक जाते हैं तो आपको क्राउडेड बस में जाने में या धूप में जाने में कोई परेशानी नहीं होगी, आप बिल्कुल कंफर्टेबल होंगे, आपको कोई धूप नहीं लग रही होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, है ना? ऐसा ही होता है ना, क्योंकि हमको फ्रेंड्स के साथ जाना है पिकनिक पे, तो हम बहुत खुशी खुशी उस धूप में या उस भरी हुई बस में भी आराम से जा सकते हैं। लेकिन अगर हमको वैसे ही मम्मी के किसी काम से जाना होता तो शायद हमको परेशानी होती, मम्मी हाँ इतनी धूप है हम कैसे जाएंगे। नाउ थर्ड पॉइंट इज बिहेवियर। सो बिहेवियर क्या है? एनी एक्शन, एनी रिएक्शन, एक्टिविटी, जो कुछ भी आप परफॉर्म करते हैं, है ना, वो आपका बिहेवियर है। सो इन साइकोलॉजी वी स्टडी बिहेवियर। बिहेवियर कैन बी सिंपल, बिहेवियर कैन बी कॉम्प्लेक्स, बिहेवियर इंटरनल भी हो सकता है, बिहेवियर एक्सटर्नल भी हो सकता है। सो इस तरह के सारे बिहेवियर को हम साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं। तो साइकोलॉजी में हम किन किन चीज़ों को स्टडी करते हैं? साइकोलॉजी में वी स्टडी मेंटल प्रोसेसेस, वी स्टडी एक्सपीरियंसेस एंड वी स्टडी बिहेवियर। तो इन थ्री टर्म्स को आप ध्यान रखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन। पेज नंबर 4। साइकोलॉजी इज अ डिसिप्लिन, एक सब्जेक्ट है, ए ब्रांच ऑफ नॉलेज, और इसमें हम किस चीज़ की नॉलेज अक्वायर करते हैं? बिहेवियर की। सो साइकोलॉजी स्टडीज बिहेवियर एक्सपीरियंसेस एंड मेंटल प्रोसेसेस। इस चीज़ को अभी हमने डिस्कस किया। इट सीक्स टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन हाउ द माइंड वर्क्स, है ना। हम इसमें क्या करने वाले हैं कि हमारा जो माइंड है वो कैसे वर्क करता है एंड हाउ डिफरेंट मेंटल प्रोसेसेस रिजल्ट्स इन डिफरेंट बिहेवियर, और जो हमारे डिफरेंट मेंटल प्रोसेसेस के बाद में किस तरह से हमारा डिफरेंट बिहेवियर आउटकम्स हम देखते हैं। तो इस चीज़ को हम इस सब्जेक्ट में स्टडी करते हैं। एंड इसमें हम साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं? साइकोलॉजिस्ट सीक टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन देम इन अ सिस्टमेटिक एंड वेरीफाइबल मैनर। ये बहुत ज़रूरी है समझना कि हम साइकोलॉजी में बहुत ही साइंटिफिक तरीके से इन चीज़ों को स्टडी करते हैं। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि हम जो साइकोलॉजी सब्जेक्ट है ये साइंस सब्जेक्ट है, क्योंकि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में इंडिया में अभी भी एज एन आर्ट स्ट्रीम में ये सब्जेक्ट ऑफर किया जाता है। लेकिन अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो साइंस में साइकोलॉजी सब्जेक्ट ऑफर कर रही है, और मैं खुद अपने बारे में बताऊं कि मैंने बीएससी किया है विद सब्जेक्ट बॉटनी जूलॉजी एंड साइकोलॉजी। मैंने इस सब्जेक्ट को पढ़ा है साइंस स्ट्रीम में। इसके बाद आई डिड एमएससी इन क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड देन पीएचडी एंड नेट। ये सब मैं आपको आगे बताऊंगी कि हम साइकोलॉजी में आगे कहाँ करियर परस्यू कर सकते हैं, हम साइकोलॉजी में आगे क्या कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपको समझनी है कि ये साइंस बना कैसे। हमने तो जन्म लिया था एक फ़िलॉसफ़ी सब्जेक्ट से, एंड फ़िलॉसफ़ी जैसे कि आप जानते ही हैं एक आर्ट सब्जेक्ट है, तो फिर साइकोलॉजी साइंस सब्जेक्ट कैसे बन गया, है ना। तो इसकी शुरुआत होती है 1879 में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हम सबको याद होना चाहिए कि साइकोलॉजी की फर्स्ट लेबोरेटरी इस्टेब्लिश हुई थी लिप्सिंग में, जर्मनी में। कब? 1879 में। और किसने की थी? विल्हेलम वुंड। ये है साइकोलॉजी, दो इट इज़ वेरी ओल्ड नॉलेज डिसिप्लिन। ऐसे क्यों लिखा गया है? क्योंकि साइकोलॉजी के जो कंसेप्ट थे ये तो हम पार्ट ऑफ फिलॉसफी के फॉर्म में सालों से पढ़ते आए हैं, है ना, लेकिन इज़ अ यंग साइंस। ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि हम नए नए साइंस बने। सिर्फ 1879 में, बहुत समय पहले की बात नहीं है, 1879 में साइकोलॉजी की फर्स्ट लेबोरेटरी इस्टेब्लिश हुई, और उस दिन को हम मान सकते हैं कि हमारे साइंस बनने की शुरुआत हुई। हमने साइंटिफिक अप्रोच स्टार्ट की और हम लोग सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हमारे सब्जेक्ट को स्टडी करने लगे। और हमको साइंस बनने में दो स्ट्रीम्स ने भी बहुत हेल्प की, दो सब्जेक्ट्स ने, वो है एक तो कंप्यूटर साइंस एंड वन सेकेंड इज न्यूरो साइंस। तो न्यूरो साइंस एंड कंप्यूटर साइंस की हेल्प से हम लोग ह्यूमन बिहेवियर को बहुत ही साइंटिफिक तरीके से स्टडी करने लगे। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने उनसे लिया है, कंप्यूटर साइंस एंड न्यूरो साइंस को हमारी साइकोलॉजी की नॉलेज से भी बहुत ज़्यादा कुछ गेन हुआ है। तो एक तरह का वाइस वर्सा इंटरेक्शन है। आगे इस चैप्टर में हम ये भी पढ़ेंगे कि डिफरेंट फील्ड्स हमसे किस तरह से इंटरैक्ट करती हैं, या दूसरे जो डिसिप्लिन हैं उनसे साइकोलॉजी का क्या एक्सचेंज होता है। सो यह न्यूरो साइंस एंड कंप्यूटर साइंस हैज़ टू इमर्जिंग फील्ड्स कंटिन्यूसली बोरो फ्रॉम साइकोलॉजी।
अब इसके अलावा टुडे साइकोलॉजी हैज़ टू पैरेलल स्ट्रीम्स. साइकोलॉजी को हम एज अ नेचुरल साइंस में भी मानते हैं एंड साइकोलॉजी को हम एज अ सोशल साइंस भी मानते हैं. सो साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस, पेज नंबर 4. सो साइकोलॉजी यूजेस हाइपोथेटिको डिडक्टिव मेथड. ये एक फिजिक्स का मेथड है. फिजिक्स में क्या किया जाता है, कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उससे पहले वो लोग एक टेंटेटिव आंसर बनाते हैं, एक हाइपोथेसिस होती है, और उसको फिर वो टेस्ट करते हैं कि वो ट्रू है या फॉल्स है. सेम इन साइकोलॉजी, साइकोलॉजी में भी हम इस मेथड के थ्रू रिसर्च करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं. सो इन दिस वे वी कैन से कि साइकोलॉजी में भी हम साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करते हैं, जैसे नेचुरल साइंस या फिजिक्स में जिन मेथड्स के थ्रू स्टडी होती है, उसी तरह से हम साइकोलॉजी में भी ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं. अब बात करते हैं साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस, बिकॉज वी आर सोशल बींग, हम लोग सामाजिक हैं और सोसाइटी का हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है. हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस कल्चर में रहते हैं, तो साइकोलॉजी को हम सोशल साइंस भी मानते हैं. पेज नंबर 5, इट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन देयर सोशल कल्चरल कंटेक्स्ट. हम जब बिहेवियर को स्टडी करते हैं तो उस बिहेवियर को उस पर्टिकुलर कल्चर में या किस कंटेक्स्ट में वो बिहेवियर परफॉर्म किया है किसी पर्सन ने, उस कंटेक्स्ट को भी माइंड करते हैं. एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, ह्यूमंस आर नॉट ओनली इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर सोशो कल्चरल कंटेक्स्ट, दे ऑल्सो क्रिएट देम. हम हमारे सोशो कल्चर इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस तो होते ही हैं, लेकिन हम उस इन्वायरमेंट को क्रिएट भी तो खुद ही करते हैं ना. तो ये लाइन इसलिए लिखी गई है कि वी ऑल्सो क्रिएट देम. तो हम एक चीज़ ध्यान रखते हैं हमेशा कि वी आर बायोलॉजिकल बींग, हम नेचुरल साइंस में जैसे रिसर्च होती है वैसे भी करते हैं, और ये भी ध्यान रखते हैं कि ह्यूमन बींग कौन है, सोशल बींग है, सामाजिक है. तो हमारे सोशो कल्चर कंटेक्स्ट का क्या जो इम्पैक्ट है, उसको भी हम लोग इस बिहेवियर को स्टडी करने में माइंड करते हैं, ध्यान रखते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, पेज नंबर 6, अंडरस्टैंडिंग माइंड एंड बिहेवियर. सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि व्हाट इज माइंड एंड इज इट द सेम एज ब्रेन. और जैसे कि हमने बात की कि साइकोलॉजी अर्लियर शुरुआत में हमने क्या पढ़ा कि इट वॉज अ स्टडी ऑफ सोल और माइंड. सो प्रॉब्लम क्या थी कि पुराने टाइम में जब हम बात करते थे तो हमारे पास में इस मेंटल एक्टिविटीज़ को, मेंटल प्रोसेसेस को स्टडी करने के इतने अच्छे डिवाइसेस नहीं थे. लेकिन आज हमारे पास में बहुत सारे ऐसी एडवांस टेक्निक्स हैं कंप्यूटर बेस्ड, जिससे हम लाइव ह्यूमन ब्रेन को इन रियल टाइम स्टडी कर सकते हैं एंड उन मेंटल फंक्शंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर. थोड़ा पढ़ते हैं. साइकोलॉजी वॉज वंस डिफाइंड एज अ साइंस ऑफ माइंड, इट्स वॉज अर्लियर. नाउ अगेन इफ़ द टर्म माइंड हैज़ रिटर्न टू साइकोलॉजी, वी शुड थैंक टू न्यूरो साइंटिस्ट. आज हम वापस से माइंड टर्म को साइकोलॉजी में यूज़ करने लगे हैं, मेंटल प्रोसेसेस को स्टडी करने लगे हैं, और इसका जो क्रेडिट है वो हम देते हैं न्यूरो साइंस को. न्यूरो साइंटिस्ट ने इस तरह की रिसर्चेस की जिसे हम इस माइंड को एक बहुत ही साइंटिफिक तरीके से स्टडी कर पा रहे हैं. सो हु हैव गिवन इट द रिस्पेक्ट विच इट डिजर्व्स एंड नाउ हैज़. पहले बताए क्या हुआ था, अभी मैं आपको बताऊँगी थोड़े दो तीन नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि स्टार्टिंग में जब हमने ऐसा नाम रखा ना साइकोलॉजी, तो लोग हंसते थे, तुम लोग क्या करते हो, हम लोग सोल को स्टडी करते हैं, माइंड को स्टडी करते हैं. तो वो हंसते थे, हाँ हाँ तुमने अपनी सोल को देखा है, तुमने अपने माइंड को देखा है, कहाँ है तुम्हारा माइंड, कहाँ है तुम्हारी सोल. तो हमारे पास में कोई जवाब नहीं होता था अच्छा खासा. तो इसलिए लोग हमको ऐसे आर्ट्स में या ऐसे फालतू का सब्जेक्ट समझ लेते थे. पर अब ऐसा नहीं है, अब जो हमारी स्टडीज़ हैं रिलेटेड टू माइंड एंड मेंटल प्रोसेसेस, उनको बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज किया जाता है और रिस्पेक्ट दी जाती है. और साइकोलॉजी में भी माइंड टर्म या मेंटल प्रोसेसेस को बहुत ही रिस्पेक्टफुल पोजीशन मिली है, जैसे लिखा है ना कि रिस्पेक्ट विच इट डिजर्व्स एंड नाउ हैज़. तो अब आज की डेट में भी हम माइंड को स्टडी करते हैं, मेंटल प्रोसेसेस को स्टडी करते हैं साइकोलॉजी में, लेकिन अब हम पे कोई हंसता नहीं है. अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, पॉपुलर नोशंस अबाउट द डिसिप्लिन ऑफ साइकोलॉजी. पेज नंबर 6 पर बिल्कुल लास्ट में है. हमारे यहाँ जो भी सब लोग हैं दे ऑल एक्ट्स लाइक अ साइकोलॉजिस्ट.
साइकोलॉजी का पी भी नहीं जानते लेकिन खुद को वो बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट समझते हैं, है ना, ऐसा ही है ना। सो अगर आपको किसी पर्सन के बारे में जज करना हो उसके बिहेवियर को कि उसने ऐसा क्यों किया, तो सबके पास में रेडी एक्सप्लेनेशन है, सबको पता है कि इसका रीज़न क्या होगा, ये होगा। तो जितने लोग उतने तरह के एक्सप्लेनेशन, है ना। एंड मोस्ट ऑफ टाइम हम ये देखते हैं कि लोगों के पास में तरह तरह के जो एक्सप्लेनेशंस होते हैं ये जस्ट एक कॉमन सेंस बेस्ड आइडियाज़ होते हैं, या फिर उनकी पास्ट लाइफ में जो कुछ हुआ है उसके बेसिस पे उन्होंने अपनी खुद की एक थियोरी बना ली होती है। और अब जब आपने साइकोलॉजी पढ़ना शुरू किया है तो अब आप जानेंगे कि एक्चुअली साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है और हम किस तरह से अलग अलग तरह के ह्यूमन बिहेवियर को साइंटिफिकली एक्सप्लेन करते हैं। और जैसे जैसे आप इस बुक को पढ़ेंगे, आगे और साइकोलॉजी पढ़ेंगे, आप अपने अंदर भी एक पॉजिटिव चेंज देखेंगे। आपको भी पता चलेगा कि आपके भी बहुत सारे थिंकिंग, बहुत सारे बिलीफ सिस्टम्स बदल जाएंगे। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप ये जानेंगे इस साइकोलॉजी को पढ़ने के बाद में कि साइकोलॉजिस्ट आर डिफरेंट फ्रॉम एस्ट्रोलॉजर्स एंड तांत्रिक्स एंड जो पाम रीडर्स होते हैं उनसे हम अलग हैं। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक से, इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी। सो डोंट मिस इस वीडियो में जो हमने टॉपिक्स कवर किए हैं उनके बारे में। आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, कोई आप फर्दर एक्सप्लेनेशन चाहते हैं या कुछ बात पूछना चाहते हैं तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। ओके, बाय बाय।